Before You Die, iLead Foundation presents, story and produced by Mr. Pradeep Chopra. जब मैं स्टोरी राइटर प्रदीप चोपड़ा से बात किया, बींग डायरेक्टर, तब उन्होंने जैसे करके कहानी को बताया और उनका बात लॉन्ग डिस्कशन का बाद जब कहानी एक मोड़ में आए, चलो हम लोग दिस कहानी को काम करेंगे, उसका बात आता है जी ये स्टोरी को कहाँ हम पोर्ट्रेट करें। मुझे जो लगा था दैट इज़ वेरी सुकून, एक जगह जहाँ पर बहुत सारे क्या बोले तो वाव फैक्टर होगा लोकेशन वाइज, जिसको देख के आँख में सुकून आ सकता है, सुंदर आ सकता है। तो इसीलिए हम लोग इसको लामाटा में शूट करने के लिए, ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है लामाटा बोल के एक जगह पहाड़ में। तो इस जब ये वादियों में जब आए, जब ये उसका बाद सब्जेक्ट जो है, तो वी आर डिसाइड जी यह हम पहाड़ ओरिएंटेड में शूट करेंगे। इस फिल्म में एक नया किरदार दो नहीं तीन है और ये तीनों किरदार इस फिल्म का तीनों स्तंभ है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्म का जो हीरोइन है, जिसका नाम फिल्म में काव्या सिंह राठौर है। फिल्म का जो हीरो है, जिसका नाम है कुलदीप सिंह, और फिल्म का काव्या का पिता का किरदार उसका, जिसका नाम है मिस्टर राठौर। तो मिस्टर राठौर, काव्या सिंह राठौर एंड कुलदीप सिंह, ये तीनों इस फिल्म का एक मेजर हिस्सा है। और मैंने तीनों नया आर्टिस्ट लेके या नया कलाकार को लेके काम किया। पहले तो वो लोग यही सोच रहे थे चलो ये एक नॉर्मल फिल्म है सबने, क्योंकि राज ने प्रोड्यूसर को ही कास्टिंग कर लिया जो कभी काम ही नहीं किया। जब राइटर प्रदीप चोपड़ा से बात कर रहा था, वे ऑफ हिज क्या बोले समझाने का, मेरा जो स्टोरी है, स्टोरी का बैकग्राउंड जब वो समझा रहे थे, कहीं ना कहीं मुझे उस किरदार को नजर आ रहा था। ही इज डूइंग माने वेरी वेल। सबसे पहले मेरा जो गुरु का एडिटर है वो मिस्टर राज सिंह सिद्धू, उन्होंने सबसे पहले मुझे हौसला दिया, मुझे घोष तू अगर बोलता है तो कर ले, मेरा तेरे ऊपर भरोसा है। बस टीम में एक मेंबर अगर सपोर्ट हो जाए तो जो पुश बैक हो गया तो हो गया, सो पिक्चर कंप्लीट कर लिया। और मैं इस फिल्म को करते हुए इतना सीखा हूँ, इतना समझ रहा हूँ, जो जिंदगी दो पलों का है, खुशियों से बिताइए, खुश दीजिए जितना हो सके, क्योंकि ऐसा ना हो बाद में जे मैं ये कर नहीं सका या मैं ये सोच नहीं सका।